हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू पावर जेनिक्स, दिस इज विकास। आज हम बात करने वाले हैं राइस के बारे में। राइस तो बहुत पॉपुलर है, सभी लोग खाते भी हैं। तो अब राइस के अंदर दो चीज़ें हैं, एक वाइट राइस और एक ब्राउन राइस। तो इनको समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम पता करेंगे कि कौन सा बेटर है। उसी हिसाब से आप भी डिसाइड कर सकते हो कि आपको कौन सा कंज्यूम करना चाहिए और आप भी अपनी राय दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की अपनी वीडियो। तो जैसे कि आज हम राइस के बारे में बात करने वाले हैं, तो पहले राइस को थोड़ा समझते हैं कि क्या है ये। बेसिकली वैसे तो सभी लोगों को पता होता है कि हाँ भाई, राइस एक तरह की फसल है, किसान उगाता है। बट जब किसान फसल उगाता है, उस समय जब वो फसल तैयार हो जाती है और मार्केट में उसको बेचने जाता है, उस समय वो ब्राउन राइस होता है। ये बात समझने की है। और उसके बाद जब वो मार्केट में बिक जाता है, वहाँ पे जाके क्या होता है, वो प्रोसेस होता है। प्रोसेस कैसे कि उसकी कुछ लेयर्स होती हैं, टू लेयर्स ब्राउन राइस के अंदर होती है, वो उतार दी जाती है, ब्रैन और जेम्स। उसके बारे में आप स्टडी कर सकते हो गूगल पे भी। तो जब उन लेयर्स को उतार देते हैं और उसके बाद उसको पॉलिश किया जाता है, पैकेजिंग किया जाता है और फिर से वो मार्केट में बेचा जाता है, वो होता है वाइट राइस। तो यहाँ आपको समझ में आ गया कि ब्राउन और वाइट में डिफरेंस क्या है। मतलब कि तो जो लेयर उतार के जो बनाया गया वो वाइट राइस है, जो होल ग्रेन है वो ब्राउन राइस है। एक तो ये बात है। दूसरी चीज़, अब इसमें से डिफरेंस करते हैं दोनों की बातों में। सबसे पहले इधर ब्राउन राइस लेते हैं, इधर वाइट राइस लेते हैं। ब्राउन राइस जो होल ग्रेन है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट होते हैं, जैसे कि विटामिन B12, जिंक, मैग्नीशियम, फाइबर, ये सारी चीज़ें उसके अंदर अवेलेबल होती है। अब वाइट राइस की बात करते हैं। वाइट राइस जैसे कि मैंने बताया, मार्केट में घूम के आता है, उसके लेयर्स को उतार दिया जाता है, तो उसके अंदर क्या बचता है, कार्बोहाइड्रेट, मतलब कैलोरीज बचती हैं। और इसके अलावा उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट है वो अवेलेबल नहीं होते हैं। तो एक तो ये बड़ा अच्छा डिफरेंस है। दूसरा, हम इसको थोड़ा समझते हैं, जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है ब्राउन राइस का, वो कम होता है, और जो वाइट राइस है उसका थोड़ा ज़्यादा होता है। अब तीसरा डिफरेंस समझने की कोशिश करते हैं, इसको कौन कौन लोग कंज्यूम कर सकते हैं। ब्राउन राइस को सभी लोग कंज्यूम कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत हेल्दी होता है। वाइट राइस को खाते तो सभी लोग हैं, लेकिन जो डायबिटिक लोग हैं उनको उसको कंज्यूम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि ये आपके ब्लड शुगर को स्पाइक करता है, इंक्रीज़ करता है। जैसे ही आपका ब्लड शुगर स्पाइक करेगा तो आपका जो डायबिटिक का लेवल है वो बढ़ जाएगा। लेकिन ब्राउन शुगर ऐसा कुछ नहीं करता है, क्योंकि वो होल ग्रेन है, तो वो आपके ब्लड शुगर को स्पाइक नहीं करेगा, स्लो डाइजेशन होता है उसका, तो उसको आप कंज्यूम कर सकते हैं। तीसरा डिफरेंस ये है। अब एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो आज ये वीडियो बना रहे हैं, इसका पर्पज़ ये है। ये तो हमने समझा दिया कि भाई इसके अंदर डिफरेंसेस क्या हैं, बाकी सारी चीज़ें क्या हैं। बचपन से हम लोग राइस को कंज्यूम करते आ रहे हैं, और ज़्यादातर टाइम पे हमने हमेशा वाइट राइस ही खाए, चाहे वो घर में हो, चाहे किसी पार्टी में हमने देखा हो, तो वाइट राइस ही हमेशा बनते हैं। इसके कई कारण हैं। सबसे जो बेसिक कॉमन सा कारण है वो क्या है कि जल्दी कुक हो जाता है। क्योंकि अगर वाइट राइस बनने में 10-15 मिनट लग रहे हैं, तो ब्राउन राइस को बनने में 30-35 मिनट लगे, मतलब डबल टाइम लगा, क्योंकि वो होल ग्रेन है। टेस्ट की अगर हम बात करें, वाइट राइस में ओब्वियसली अच्छा टेस्ट आता है और देखने में भी अच्छा लगता है, वो तो एक अलग बात हो गई। लेकिन जो लोग हेल्थ का ध्यान रखते हैं और हेल्दी रहना चाहते हैं, क्योंकि राइस एक ऐसा फूड है, उसके अंदर सारे न्यूट्रिएंट अवेलेबल है, लेकिन ब्राउन राइस के अंदर, वाइट के नहीं। तो एक चीज़ और मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, जो वाइट राइस होता है वो इजी डाइजेस्ट होता है, स्लो डाइजेशन हो जाता है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल परफेक्ट है ब्राउन राइस, उसमें एक थोड़ी सी कमी है, वो मैं आपको बता देता हूँ। जिन लोगों को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, जो मतलब खाना डाइजेस्ट नहीं कर पाते हैं जल्दी से, उनके लिए ब्राउन राइस में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या है, उनको ब्लोटिंग फील हो सकती है, गैस बन सकती है, क्योंकि वो स्लो डाइजेस्टिव होता है, तो उसकी वजह से ही सारी प्रॉब्लम आ सकती है। वो लोग ब्राउन राइस की जगह वाइट राइस खा सकते हैं, क्योंकि वो फास्ट डाइजेस्ट होता है बॉडी के अंदर। सबसे लास्ट में एक डिफरेंस और मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि अगर हम कैलोरीज की बात करते हैं, तो वाइट राइस और ब्राउन राइस दोनों की कैलोरीज बिल्कुल सेम होती है, मतलब कार्बोहाइड्रेट 80% कार्बोहाइड्रेट होता है राइस के अंदर। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको कौन सा राइस लेना है, वाइट या ब्राउन। पहले मैंने कई सालों तक हमेशा वाइट राइस खाया, पिछले कुछ टाइम से मैं हमेशा से ब्राउन राइस खा रहा हूँ, और वो मुझे अच्छा भी लगता है। तो आप भी अपनी राय दे सकते हैं कि आप कौन सा राइस खा रहे हैं और आपको अब कौन सा राइस आगे चल के खाना है। हेल्थ की बात मैंने बता दी, वैसे जो किसान उगाता है प्योरिटी तो उसी में है, और वही हमें खाना चाहिए। मार्केट से जो घूम के आता है उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो अनहेल्दी भी है और हमारी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही भी नहीं है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए और अपना ध्यान रखें।